WWE रिंग में भारत के फेमस सुपरस्टार का चलेगा जादू, कंपनी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। WWE का कर रहा है इंतजार, रिंग में तबाही मचाने के लिए है तैयार। MMA का फाइटर, WWE की रेफरी, और अब रिंग में दहाड़ेंगी भारत की शेरनी संजना जॉर्ज। वो खुद कहती है शाई नेचर की है, दिल की बात बहुत मुश्किल से जुबा पर निकाल पाती है। उसके दोस्त उतने नहीं है जितने बहुतों के होते हैं, लेकिन स्वभाव से वो अंतर्मुखी है। बावजूद इसके, इस महिला ने अपने जज्बे को इस मुकाम तक पहुंचाया कि भारत का सुपरस्टार बन गई। सब मानकर चल रहे हैं उसका जादू दुनिया के पटल पर छाने वाला है। ये वही महिला है जो MMA फाइटर है, WWE की रेफरी भी रही है, अब उसी WWE की रिंग में उतरने वाली है। WWE रिंग उसका इंतजार कर रहा है, वो दहाड़ने वाली है, रिंग में तबाही मचाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ सालों पहले वो ऐसी नहीं थी, वो पहले कुछ ऐसी थी कि कैमरे के सामने जाने पर उसे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। WWE ने उसे वो बना दिया है जिसके बारे में उसने इससे पहले कभी सोचा नहीं था। उस महिला का नाम है संजना जॉर्ज, जिसका बेसब्री से इंतजार WWE रिंग कर रहा है। वैसे तो WWE में कई भारतीय रेसलर अपने नाम ऊंचा कर रहे हैं, द ग्रेट खली से लेकर जिंदर महल तक, और अब वीर महान और शैंकी जैसे रेसलर रिंग में अपना जलवा दिखा रहे हैं। लेकिन जल्द ही WWE से एक और भारतीय रेसलर का नाम जुड़ने वाला है, और वो है संजना जॉर्ज। संजना केरल की रहने वाली है, WWE से पहले वो मिक्स मार्शल आर्ट में अपना हाथ आजमा चुकी हैं। हालांकि वह WWE रिंग में एक फाइटर के तौर पर वो अपना डेब्यू नहीं किया है, लेकिन रेफरी के तौर पर कुछ मैचों में वह जरूर नजर आई हैं। WWE में संजना अगर एक रेसलर के तौर पर अपना डेब्यू करती हैं, तो वह कविता देवी के बाद ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला रेसलर बन जाएंगी। हालांकि कविता देवी को WWE ने अब रिलीज कर दिया है, संजना जॉर्ज को WWE रेसलिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन वह इस कंपनी के परफॉर्मेंस सेंटर में इसके लिए जमकर तैयारी कर रही है। हालांकि संजना ने MMA फाइट में जरूर अपना दमखम दिखा चुकी है। WWE में संजना को द रॉक काफी पसंद है। इसके अलावा संजना रोंडा रावजी की भी फैन है। संजना की तरह ही रोंडा भी MMA में अपना नाम कमाया है, और WWE में भी अपना जौहर दिखा चुकी है। अब जबकि संजना WWE रिंग में उतरने वाली है, तो वो कहती है, WWE काफी कठिन है, यहाँ सफल होने के लिए आपके पास अच्छी मसल्स मेमोरी होनी चाहिए। जब आप यहाँ के बारे में सोचते हो तो काफी कुछ इसके लिए करना पड़ता है, एक प्लान के मुताबिक यहाँ काम करना पड़ता है, किस्मत का भी साथ चाहिए, और चीजों को अच्छे से यहाँ पर होना चाहिए। MMA और WWE के बीच अंतर क्या है? संजना जॉर्ज ने जो अंतर समझाया वो हैरान करने वाला है। वो कहती है, MMA में जब आपको लात या मुक्का मारा जाता है, तो आपको यह नहीं दिखना चाहिए कि इससे आपको चोट लगी है। हालांकि WWE में आपको दर्शकों को यह विश्वास दिलाना होता है कि आप दर्द में हैं। जब संजना रेसलिंग में आई, तो उन्हें MMA से जुड़ी कई आदतों को छोड़ना पड़ा। वैसे संजना फिटनेस फिक्र हैं, वो अपने खेल की तैयारी और फिटनेस के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करती हैं। संजना अपनी फिटनेस से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।